मुआवजा नहीं तो काम भी नहीं करने देंगे। मुआवजे की खातिर भाकियों ने किसानों के साथ दिया धरना प्रदर्शन। मीणावरी क्षेत्र के गांव गड़ी हरिया में उत्तरी बाईपास इनर रिंग रोड के लिए किसानों की जमीन का प्रशासन द्वारा अधिग्रहण कराया गया, लेकिन किसानों को सर्किल रेट के मुताबिक मुआवजा राशि न मिलने की वजह से गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ किसानों ने तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए मुआवजा राशि के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। किसानों ने प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा वह वहाँ कंपनी के लोगों को काम नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। एसडीएम साहब, अभी जो धरना प्रदर्शन किया गया था किसानों द्वारा, क्या ये पूरा मामला था और क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? देखिए, ये धरना प्रदर्शन मीणावली के कुछ किसानों द्वारा सर्किल रेट पर मुआवजा ना दिए जाने के संबंध में किया जा रहा था। समस्या ये है कि किसानों को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था मुआवजा उसी के अनुसार दिया जा रहा है। बाकी अगर किसी का कुछ घटाना है बढ़ाना है मुआवजा, उसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ इनकी प्रोसीडिंग्स लंबित है, वहाँ से कोई डिसीजन आने के बाद ही उस पर जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज जो आप लोग तहसील पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं, क्या ये पूरा मामला और क्या ये ऐसा है कि ये मामला मीणावली और हरियागढ़ के किसानों का जो जमीनों का जबरन वहाँ अधिग्रहण किया गया है, जो फसल तैयार थी सरसों आलू की, उनको वहाँ बुलडोजर से बर्बाद कर दिया पूरा। हमें तो बताया था कि बुलडोजर अपराधियों पर चलाई जाती है, यहाँ तो किसानों पर चलाई जा रही है बुलडोजर। महाराज जी से हमारा निवेदन ये है, एक तो जो जिस तरह से इनकी फसल बर्बाद की गई है, पहले तो सबसे पहले इन किसानों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, उसके बाद जो वहाँ जमीनों का जो सरकारी रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा जो मिलता है सरकार से 1,70,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, वो उनको तुरंत तत्काल में दिया जाए। और जब तक मुआवजा ना मिले, इनकी ज़मीनों पर जो अधिग्रहण किया गया है, जो वहाँ बाईपास बनाने का एक्सप्रेस वे NH2 को बाईपास जोड़ने का काम चल रहा है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, अन्यथा भारतीय किसान भानु मजबूरन किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और वहाँ बड़ा आंदोलन करेगा। या तो इनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। आज हम लोग यहाँ तहसील सादाबाद में आए हैं क्योंकि ये किसान काफ़ी बार काफ़ी अधिकारियों के पास चक्कर लगा चुके हैं। DM साहब से मिलने गए, उन्होंने समय नहीं दिया। SDM महोदय से मिलने आए थे यहाँ तहसील सादाबाद में, तो उनको ये बोल के कि अभी आ रहा हूँ मैं 15 से 20 मिनट में, वो शाम तक आए नहीं। उसके बाद अभी तक इनका जिस तरह उत्पीड़न किया गया वो बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारी सबसे पहली मांग यही है कि तुरंत तत्काल से वहाँ जो कार्य चल रहा है, जो बाईपास निर्माण कार्य चल रहा है, उसे बंद किया जाए, अन्यथा भारतीय किसान भानु खुद वहाँ स्वयं जाके किसानों के साथ। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, X-ray, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।